अयोध्या में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जहां एक ओर प्रदेश सरकार द्वारा एक दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा के आदेश पर पिछले कुछ दिनों से अयोध्या जनपद में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं नाइट कर्फ्यू के दौरान जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत जिले के तमाम आला अधिकारी लगातार कर्फ्यू का पालन किस तरह से किया जा रहा है इस बात पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल 21 अप्रैल को अयोध्या भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाना है, जिसके लिए अयोध्या के सभी साधु संतों समेत जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने भी सभी भक्तों से आवाहन किया है। इसके साथ ही थाना एवं चौकी पुलिस द्वारा भी अपने अपने इलाकों में गश्त किया जा रहा है। एसएसपी ने बताया कि रात से ही लोगों से घरों में रहकर कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की अपील की जा रही है। लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, लेकिन जो भी बातें कर रहे हैं वो अफवाह फैला रहे हैं। अगर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा उनके लिए कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा यही कहा गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो है लोग सावधानी बरतें और हम संक्रमण के केंद्र छोड़ें। किसी तरह का लॉकडाउन की बात नहीं बताई गई है। जो रोजाना नाइट कोरोना कर्फ्यू है वो है, और इसके अलावा सैटरडे के रात से मंडे मॉर्निंग तक का जो व्यवस्था है, और इसका पर्पस मास स्किल में सैनिटाइजेशन डिसइंफेक्शन है, और साथ ही साथ इस पीरियड में लोग बाहर न निकले, जिससे इन कामों को सुचारू ढंग से कंप्लीट कराया जाए, ये उसे तो इसी तरह मैं कहना चाहूंगा कि किसी तरह के लॉकडाउन की अफवाह कोई ना फैलाए, जो इस तरह की अफवाह फैलाई है उनसे कार्रवाई की। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए और कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन सड़क पर उतर आया है और लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है।